हेलो फ्रेंड, पार्ट टू को क्लियर पूरा अच्छे से नहीं कर पाया था, सॉरी। लेकिन अब इसी को हम पार्ट थ्री में डालने वाले हैं, जो पिछला पार्ट टू में चल रहा था। हम लोगों ने देखा था कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण पर बनाएगी। तो समकोण वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस और माइनस दोनों यूज कर रहे थे। लेकिन ये माइनस का यूज हम लोग भले कर रहे थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसलिए बोल रहे थे कि ये 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन पहले बनाएगा। और जब 5 मिनट जब पहले बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बजकर कुछ मिनट नहीं होगा, वो होगा 1 बजकर कुछ मिनट। इसका मतलब है कि जब अगर आप घड़ी में देख पाए होंगे कि अगर 2 से 3 बजे के बीच पूछा जा रहा था, लेकिन ये मिनट की सुई यहाँ पे रहेगा, तो 1 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। इसका आंसर हुआ कि 2 और 3 बजे के बीच में समकोण कितना डिग्री हुआ, 2 बजकर 27 मिनट 3/11। तो हम लोग तीनों ही केस देखा, तो इस फॉर्मूले में हम लोग काम कर लेंगे। यानी कि ये होता है जनरल फॉर्मूला, कितना भी कितना पूछ लेगा। और वही भी आपको हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी कि क्लॉक में पूरे तरीके से एक ही फॉर्मूले पे काम करना है, लेकिन आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए कि अगर मिलती है तो कितना डिग्री होती है, अगर विपरीत होती है तो कितना होती है। हाँ, अब उसमें भी एक केस हम समझाना भूल गए थे, जो अभी अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर 12 से 1 बजे के बीच 6 से 7, यानी कि जो अपवाद था नहीं मिल पा रहा था, हम लोग 1 घंटे लैप्स कर दे रहे थे, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम मेरा कहने का मतलब यह है कि क्लॉक में फॉर्मूले को याद रखेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 से 3 बजे के बीच में कब मिलने वाला हो गया। अब हम लोग सवाल दूसरा करते हैं, नेक्स्ट सवाल कितना फाड़ पड़ते हैं। सवाल ऐसे है, क्वेश्चन है कि 2 बजकर 43 मिनट हो रहे हैं, तो कौन बताइए कि कितना होगा। यानी कि किसी घड़ी में 2 बजकर 43 मिनट हो रहे हैं, हमको बताना है कौन, यानी कि हमको बताना है ठेटा। तो आप खुद समझ रहे हैं, ये होता है T1 और ये दिया है मिनट, यानी कि M का वैल्यू दे चुका है। तो हम इसको सवाल में सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो M का वैल्यू दिया हुआ है 43। पहले फार्मूला लिख दिया जाए, M is equal to 2/11 is equal to T1 into 30 plus minus theta। क्योंकि फार्मूले हमेशा बार बार लिखने यूज कीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम है तो हमेशा यूज करते रहिए, फार्मूला याद हो जाएगा। M के जगह पे 43 is equal to 2/11 T1 का वैल्यू 2 into 30 plus minus theta। क्यों, क्योंकि एंगल हमको निकालना है, और एंगल निकालना है इसका मतलब theta निकालना है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 43 इज इक्वल टू इसको 43 इंटू 11 अपॉन 2 गुना होगा, ये भागा जाएगा 30 × 60 प्लस माइनस छिटा। 60 को इधर बैठिए तो 43 × 11, सॉरी हम यहाँ 43 ले लिए थे, क्यों ना इसको 40 लिया जाए, सॉल्यूशन में आसानी पड़ेगा। 40 सॉल्यूशन ऐसे आसानी पड़ेगी, 220 माइनस 60 प्लस माइनस छीटा। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो 16 बराबर प्लस माइनस छीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना, तो प्लस माइनस 160 डिग्री। यानी कि एक 160 डिग्री भी होगा और एक माइनस 160। तो माइनस 160 का मतलब ये होगा कि थीटा की जगह पे मेरा 160 आंसर आ रहा है, और थीटा की जगह पे माइनस 160। इसका मतलब कि 360 में से अगर 160 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 200। यानी कि यही माइनस 160 200 के बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया कि इधर से हम 30 डिग्री पे हैं, तो इधर से ऑलरेडी कितना डिग्री पे होंगे, तो 330 डिग्री पे होंगे, तभी तो टोटल 360 डिग्री होगा। इसलिए इधर से जब 160 डिग्री है माइनस में, तो ऊपर से कितने होंगे, प्लस में बदल देंगे 200 डिग्री। और दोनों में से फिर कौन सा छोटा है, क्योंकि हम लोग अक्सर एंगल देखा जाता है कि जो छोटा एंगल होता है वही कोण होता है रियलिटी में। तो दोनों में कौन छोटा, 200 की 160, तो 160, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 160। अगर अब ऐसा क्वेश्चन न करके ऐसा क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन पूछता कि 3 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितना कोण बनेगा अगर 3 बजकर 20 मिनट में होगा। तो M इज इक्वल टू इंटीग्रल 20 2/11 इंटू T1 इंटू 30, T1 का वैल्यू 3 इंटू 30 प्लस माइनस छिटा। अब यहां से तो 2 × 10 = 20 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया 110, इसलिए 90 प्लस माइनस छिटा।
और यहाँ पे 110 में से अगर 90 को घटाएंगे तो बनेगा प्लस माइनस थीटा, यानी कि 20 बराबर क्या आया, प्लस माइनस थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 और माइनस माइनस 20। तो आप तो देख पा रहे हैं कि 20 हमेशा छोटा है, क्यों, क्योंकि प्लस थीटा अगर माइनस 20 का मतलब क्या हुआ, माइनस 20 का मतलब हुआ 340, क्योंकि अगर माइनस में 20 है तो आप अगर उसको पॉजिटिव बनाकर बोलोगे तो 320 ही बोलोगे, इसलिए इसका आंसर आया छोटा एंगल कौन है 340 की 20, तो थीटा बराबर 20, क्योंकि माइनस वाले को प्लस में आप बदल दो और फिर देखो कि कौन सा छोटा एंगल है। तो इस तरीके से तो मेरा कहने का मतलब है कि एक फार्मूला याद रखिए, एम बराबर 2/11 × t1 × 30 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से क्लॉक का कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अब रहा बात की अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो एक बढ़िया ट्रिक है, उसको बोल सकते हैं सुपर फास्ट ट्रिक, सुपर फास्ट ट्रिक। सुपर फास्ट ट्रिक किसके लिए वो हम बताते हैं। पहला केस सुपर फास्ट वाले ट्रिक में तीन फार्मूले याद रखने होंगे, पहला दूसरा और तीसरा। पहला में जब मिलने वाला केस रहे, जब मिलने वाला केस रहे, दूसरा जब विपरीत होने वाला केस रहे, जब मिलने वाला विपरीत वाला, जब समकोण का केस रहे, जब मिलने वाला रहेगा तो आपको डायरेक्ट करना है 60/11 × t1 और जब विपरीत वाला, जब विपरीत वाला रहेगा तो 60/11 × 6 × t1। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये समकोण है तो इसका दो दो फार्मूला, एक होता है 60/11 × 9 × t1 और एक होता है 60/11 × 3 × t1। अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये, यानी कि इसमें दो फार्मूले हम लोग यूज करेंगे समकोण वाले में, क्योंकि क्यों, क्योंकि पहले 90 डिग्री बनेगा और दूसरे आगे भी 90 डिग्री बनेगा। तो जब मिलने वाला केस रहेगा तो ये फार्मूला बनाना है, विपरीत वाला में तो ये देखिए। अब सुपर फास्ट का एक और तरीका है, क्योंकि अगर आप सुपर फास्ट ट्रिक को याद रखते हो तो आप डायरेक्टली m = 2/11 वाला यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस पे पुट करेंगे और आंसर लेंगे। जैसे सिर्फ सवाल जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, वो पहले पढ़ रहे थे सवाल, क्वेश्चन होता था कि आप बता दो कि 2 से 3 बजे के बीच कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा का मतलब कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कब मिलेंगे एक दूसरे पे। तो हम लोग क्या बताए थे कि जब मिलने वाला केस रहेगा तो डायरेक्ट इसमें थीटा की जगह पे 0 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि मिलेगा तो बिल्कुल थीटा 0 होगा। तो इस पे भी बना सकते हैं, फिलहाल अब सुपर फास्ट है तो इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, अब इस पे ध्यान दीजिए। जब मिलने वाला केस रहेगा तो 60/11 × t1, टी वन तो हमें हमेशा 2 बोलते हैं, तो ये हुआ 2 120/11 और इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 × 11 = 10/10/11, यानी कि ये हमेशा m बराबर निकलता है और आंसर आया कौन सा 2:10 = 10/10/11। अगर 2 से 3 बजे के बीच कब मिलेगा तो 2:10 = 10/11, यानी कि इतना मिनट में वो मिलेगा। हम लोग बताए थे मिलने वाला एक केस था वो अपवाद था, अपवाद कहाँ कहाँ था, तो 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा चेक किया जाए ना कि 12 से 1 बजे के पास मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लोग चेक कर, अभी चेक कर रहे थे कि 2 से 3 बजे बीच वाला मिलने वाला केस, पहले जो सॉल्यूशन किए हैं ये वाला जो सॉल्यूशन किए हैं तो दोनों अलग अलग होता है कि यही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 12 से 1 बजे के बीच कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब देखिए ये मेरा अपवाद था, हम लोग वहां सीखे थे कि नहीं मिलता है, देखते हैं चेक करते हैं। तो मिलने वाला केस है तो सुपर फास्ट ट्रिक लगाएंगे 60/11 × t1, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 60/11 × t1, t1 का मतलब 12 और 12 × 76 = 11 / 66 और 6 × 11 = 65/65/11, यानी कि बोल सकते हैं कि कब मिलेगा तो 12:65/11। दोस्त आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छा से केयर कीजिएगा, ये 12 बजकर मिनट नहीं है,
ये मिनट है 1:05 5:11 ये है क्यों, क्योंकि 60 मिनट एक घंटे के बराबर होते हैं और एक घंटे फिर इधर आ जाएगा तो 1:05 होगा, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में कब मिलेगा, तो 12:05 में जो कि होता नहीं है, ये होता है 1:05 5:11, तो इसलिए 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलता है, इसीलिए वहां एक घंटे में तो एक बार मिलती है जनरली, लेकिन 12 घंटे में एक बार कम हो जाता है, वो कम यहाँ होता है, यहाँ नहीं मिल पाता है, यानी कि 12 घंटे में टोटल 11 बार मिलता है, तो 24 घंटे में कितने बार, 22 बार मिलेंगी, तो इसी को हम समझाना चाह रहे थे। अब अगर सवाल आता है मिलने वाला किस नहीं विपरीत होने वाला किस, तो वहां जैसे एक क्वेश्चन किया था मैंने कि 2 से 3 बजे के बीच कब विपरीत होगा, कब विपरीत होगा, 2 से 3 बजे के बीच में कब विपरीत होगा, तो 2 से 3 बजे के बीच में विपरीत होने वाले केस, तो वहां पे तो हम लोग डायरेक्ट विपरीत थीटा के जगह में 180 डिग्री करके यूज कर सकते हैं, लेकिन विपरीत के लिए फास्ट ट्रिक है, और फास्ट ट्रिक ऐसे है कि 60/11 कीजिए गुणे टीवर जो का वैल्यू जो 2 है ना वो 6 से लेना है, इसका मतलब है कि घड़ी हम बनाते हैं दिखाते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे हैं, ये घड़ी है, अब यहाँ से 9 है 3 है 12 है 6 है 9 है 10 11 1 2 3 4 ऐसे है, यहाँ से 60/11 करना है 2 से, फॉर्मूला क्या है कि 6 से T1, तो यहाँ जो 2 आ रहा है T1 का वैल्यू, ये T1 का वैल्यू 6 से लेना है, तो 6 से 2 तक कितना डिस्टेंस है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, यानी कि फिर से पीछे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो 6 से लेकर 2 तक कितना दूरी हुआ, तो 6 से यहाँ तक तो 12 तक पहुंचने में 6 और उधर 2, इसका मतलब है कि 6 से 2 तक पहुंचने में, क्योंकि T1 का वैल्यू वहां डायरेक्टली पुट कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ 6 से T1 लेना है, 6 से T1 का मतलब है कि 6 से 2 जो है कितना दूरी पे है, तो 6 से जो 2 है वो 8 डिस्टेंस पे है, क्योंकि 6 से 6 हुआ और आगे बढ़ेंगे 2 तो 8 डिस्टेंस, और इसको करेंगे 480/11 = 44 40 11 33, यानी कि वहां भी सेम आंसर आया होगा, अब मिला लीजिएगा कि कितना बजकर कितना मिनट, 2:43 60/11 इतना में विपरीत हो जाएंगे 2 से 3 बजे के बीच, तो ये सुपर फास्ट ट्रिक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि कहां अपवाद होता है, तो 6 से 7 बजे के बीच अपवाद होता है, यानी कि विपरीत नहीं बन पाता है, उसको चेक किया है, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कब विपरीत होगा, कब विपरीत होगा, 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत कब होगा, तो हम लोग देखें कि 60/11 गुणे विपरीत है तो हमेशा 6 से T1 लेना है, तो 6 से T1 6 से T1 तो हमेशा ये T1 है, तो 6 से T1 हमेशा क्लॉक वाइज में रहा है, तो क्लॉक वाइज का मतलब 12 दूरी तय होगा, तो 12 छः कितना 72/11 11 6 66 11 55 5/11, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बजकर कितना मिनट, तो 6:65 5/11, तो हम अभी भी बताएं कि ये 65 क्या है, एक घंटे इधर और जाएगा तो 7:05 हो जाएगा, इसलिए दोस्त 6 और 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कभी भी विपरीत वाला केस रहेगा तो आप 6 से दूरी देख लीजिएगा T1 के, अगर हमको सवाल पूछा जाता है कि 12 से 1 बजे के बीच में विपरीत कब होगा, 12 से 1 के बीच में विपरीत कब होगा, तो 12 से 1 बजे के बीच में विपरीत निकालना है, तो विपरीत का काम कैसे करते हैं, विपरीत का काम करते हैं 60/11 गुणे 6 से T1, तो 6 से 1 कितना आगे है 12, तो 6 से 6 आगे है, 6 से 12 6 ही आगे हुआ ना, तो इसको मिनट बता देगा 12:05। अगर सवाल पूछता है कि हमको चाहिए 8 से 9 बजे के बीच बताइए कि कब विपरीत होगा, तो 60/11 और विपरीत है तो 6 से T1 लेना है, तो 6 से 8 कितना दूर है, तो 2 दूर है, क्या क्वेश्चन है भाई,
तो सिंपल वे में हमेशा याद रखिए कि जब मिलने वाला केस रहेगा तो डायरेक्टली टी वन से गुणा कर देंगे, क्योंकि 60 बटे 11 तो सब में, तो पहला टी वन ले रहा है, दूसरा छोर से टी वन ले रहा है, और समकोण वाला ही केस है। समकोण वाले केस में हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। समकोण वाले केस को क्वेश्चन आया कि 3 से 4 बजे के बीच कब संपूर्ण बनाएंगे, संपूर्ण कब बनाएंगे। तो देखिए ये चीजें अपवाद था, संपूर्ण वाले में 3 से 4 अपवाद है और 9 से 10 अपवाद है, यानी कि यहाँ एक ही बार बनता है। दिखाते हैं कैसे 3 से 4 बजे के बीच होगा कि एक चीज लेना है। देखिए फिर से आपको घड़ी पढ़ना पड़ रहा है, याद नहीं रहना है, 12 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11 पहला केस में लेना है 60/11 गुणे ये T1 का जो वैल्यू लेना है ना, वो T1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे T1 का वैल्यू 3 है, और ये 3 का वैल्यू दो जगह से लेना है, एक वो 9 से लेना है, वो 3 से लेना है। तो 9 से 3 कितना दूर है, 9 से 3 1 2 3 4 5 6 दूर है, यहाँ से 6 दूर है, तो 9 से एक बार 9 से दूरी देखना है, एक बार 3 से दूरी देखना है, तो हम 9 से दूरी देख रहे हैं तो कितना दूर है, 6 दूर है। फिर दूसरा में यूज करेंगे 60/11 गुना 4 सॉरी यही 3 यही T1 3 से कितना दूर है, तो यही 3 यही वाला 3 3 से कितना दूर है, तो 3 से कितना 3 दूर है, 0 नहीं 12, क्योंकि हम अभी बताया कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दूरी देखना है, तो क्लॉकवाइज से 12 दूर है, इसका मतलब है कि 12 यूज करना है, और 12 यूज किया तो इसका मतलब बना दिया 12 6 72, और आप जानते हैं कि ये उतना उतना के बीच नहीं हुआ क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हुआ, इसीलिए एक बार बनेगा, और कितना बनेगा तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए 160/11। तो इस तरह से कोई सा भी सवाल आएगा तो आप बिल्कुल यही 3 फार्मूले से मेन फार्मूला हुआ m = 2/11 × t1 × 30 ± θ, चाहे आपको एंगल पूछा जाए, चाहे आपको कितना बजकर कितना में मिनट में 90 डिग्री बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा। हाँ सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच कब 120 डिग्री बनेगा, तो यहाँ थीटा की जगह पे 120 रखना है दोस्त, क्या जाता है कोई दिक्कत नहीं है, और कब बनेगा तो T1 का वैल्यू 2 दिया है तो m का वैल्यू निकाल लेंगे, ये मिनट बता देगा और 2 बजकर 15 मिनट में 120 डिग्री कौन बनेगा। तो आपको इनडायरेक्टली सवाल भी आ सकते हैं, डायरेक्टली भी सवाल आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं, सबके लिए आपको बताया गया है, एक सबके लिए एक फार्मूला m बराबर याद कर लीजिए। अगर जिन लोगों को जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और जिन लोगों को ये सुपर फास्ट तभी काम करता है क्योंकि टाइम टेकन कम लेता है, तो थैंक्स। ये पूरे तरीके से क्लॉक का बात समाप्त हो गया, अब हम लोग लाएंगे क्लॉक का ही वाटर इमेज और मिरर इमेज, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका लाने वाले हैं। थैंक्स, थैंक यू।